Hello students, today we will discuss the second poem of the third class, namely The Kite's Flight. इसके टाइटल से ही शो होता है कि पोइम किसके बारे में है. Kite's Flight के बारे में, मीन्स पतंग की उड़ान के बारे में. कैन यू गेस व्हाट अ शेप पोइम इज़? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पोइम की शेप क्या है, कि ये कैसी दिखती है, क्या है इसका आकार? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोइम किसके बारे में है. इट सोर्स सडनली, ये अचानक से उड़ान भरती है. अप सो वेरी हाई, बहुत ही ऊंची उड़ान भरती है आसमान में. रीचिंग फॉर द फ्लीसी वाइट क्लाउड डॉटिंग द स्काई, और ये कहाँ पहुँच जाती है? फ्लीसी वाइट क्लाउड में पहुँच जाती है. फ्लीसी मीन्स सॉफ्ट, लाइक कॉटन की तरह नरम होते हैं ये वाइट क्लाउड जो होते हैं, उनमें पहुंच जाती है. और ये स्काई में वाइट डॉट की तरह लगते हैं क्लाउड्स. इट फ्लाइज पास्ट द रूफ टॉप्स एंड ट्रीज, ये घरों के बीच में से और पेड़ों के ऊपर से उड़ती है. एज इट फ्लोरिक्स सो गेली विद द ब्रीज, और ये खेलते हुए हिलते हुए मतलब हैप्पीली तरीके से खुशी से उड़ती है हवा के साथ. अ लिटिल बर्ड आस्क द पेपर काइट, जो एक छोटा सा पंछी होता है उसने पेपर काइट से पूछा, जो पेपर से बनी हुई काइट है उससे पूछा. आई एम क्यूरियस अबाउट योर फ्लाइट, मैं तुम्हारी उड़ान को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ कि तुम इतना मतलब हाई ऊपर कैसे उड़ते हो. व्हाट डू यू रश सो, तुम ऐसा क्यों करते हो? डू यू नो इट्स बेटर टू टेक इट स्लो, तो लिटिल बर्ड उससे क्या कहता है कि तुम्हें धीरे उड़ना चाहिए, स्लो उड़ना चाहिए. द काइट रिप्लाइड, काइट ने रिप्लाई किया, काइट ने आंसर किया. आई कैन डू दैट, मैं वो नहीं कर सकता, मतलब मैं वो. डियर चैप, चैप मीन्स लाइक फ्रेंड, फ्रेंडली वे में जब हम किसी से बात कर सकते हैं तो डियर चैप कह सकते हैं. चैप मीन्स फ्रेंड, उसने कहा होगा डियर फ्रेंड. बिकॉज यू सी, क्योंकि तुमने देखा. आई डोंट नो व्हेन माय स्ट्रिंग विल स्नैप, मुझे नहीं पता कि मेरी ये डोर है, जो ये धागा है, कब टूट जाए, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं सबसे ऊपर उड़ता हूँ.